हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? ऐसा कर तो आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं पिक्सल 7 एंड पिक्सल 7 प्रो के बारे में, जो कि दोस्तों आज के ही डेट में इंडिया में आने वाला है, जो कि गूगल की तरफ से होगा, क्योंकि दोस्तों गूगल ने पहले भी एक फोन लॉन्च किया था जो कि पिक्सल 6 था। तो दोस्तों अभी जो दोनों फोन लॉन्च होने वाला है, दो फोन एक साथ लॉन्च करेगा, पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो। तो दोस्तों इन दोनों फोन के बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं, किस तरह का फोन होगा, कैसा फोन है, किस कब तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों हम आपको बता दें, फाइनल डेट जो आ चुका है निकल के, आज के ही डेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कितने डेट में, किस टाइम में मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं, किस तरह का फोन है, कैसा फोन है, क्या फीचर्स रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें इसकी स्क्रीन की, तो स्क्रीन आपको 6.3 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको देने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा AMOLED डिस्प्ले। अब बात कर ले इसके रिफ्रेश रेट की, तो 90Hz रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की बात करें, तो 11 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देने वाला है, जिसमें कि आप 30fps का फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं। तो चलिए बैक साइड में चलते हैं। बैक साइड में जैसे ही आते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे कि बैक साइड में आपको दो कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि रियल कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और सेकंड कैमरा जो अल्ट्रा कैमरा वो 12 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है, और 12 प्लस लाइट बैक साइड में आपको मिलता है। साथ ही आपको जो है यहाँ पे आपको कैमरा जो मिलता है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हार्ड मिलता है, जो कि आप 4K वीडियो रिकॉर्ड 30fps में आप कर सकते हैं फुल HD में। तो और दोस्तों इसमें बात करें तो यहाँ पे रैम की बात करें, तो 8GB रैम मिलने वाला है, 128GB इंटरनल मिलता है वाला है। और दोस्तों साथ ही अगर प्रोसेसर की बात करें, तो प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा तगड़ा आपको मिलता है, टेसर G2 का आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल के फोन में ही आपको देखने के लिए मिलता है ये प्रोसेसर। और दोस्तों ये प्रोसेसर जो है आपको कई सारे आपको लैपटॉप में भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। अब बात करें इसके बैटरी की, तो बैटरी आपको 4700mAh का देने वाला है, साथ ही आपको 30W का चार्जर देगा, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ होगा। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, साथ ही आपको डबल सिम इसमें मिलने वाला है। तो इसका पूरी इन्फॉर्मेशन ये रहा था। और दोस्तों इसके बारे में अब बात कर ले, किस तरह का फोन है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस लगभग जो है इसका 30,000 से प्लस होने वाला है, 35,000 से नीचे इतना तक प्राइस होने वाला है जो है। तो दोस्तों इस प्राइस में बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन मिल जाता है, फोन में कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर इसमें 35,000 से ज्यादा का फोन होता है तो दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 30,000 से प्लस और 35,000 से नीचे का हो सकता है ये फोन। तो और दोस्तों ये अब लगभग आपको 8 बजे रात में लॉन्च देखने के लिए मिल जाएगा ये फोन। और दोस्तों अब जैसे ही लॉन्च होता है उसके बाद भी हम आपको बता देंगे क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन फोन के बारे में। तो दोस्तों समझ में आ गया तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए अभी के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।